हेलो एवरीवन, मैं सावन कुमार आप लोगों के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप 6 लेके आए हैं। टाइप 5 तक हम लोग देख लिए थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग का क्या होता था कि देखना पड़ता था कि आखिर क्या चीज़ पुट करेंगे, तो वो पुट करते थे। उसके बाद जो है काम क्या होता था, इंटीग्रेट करने का, वही करते थे। और जैसे यहाँ पे देखिए, अब फॉर्म जैसे यहाँ देखिए टाइप 6 में लिखा हुआ है, हम लोग सेकेक और टेन एक्स वाला, साइन को और कोसेक्स वाला देखे थे, जस्ट लाइक यही फॉर्म होता। m और n जो है यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। अब क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दो ही बात हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है, इफ पावर ऑफ कोसेक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट जेड इक्वल टू कॉट एक्स। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, ये कोसेक पे पावर यदि इवेन में होगा, यानी 2, 4 इस तरह रहेगा इवेन में, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, कॉट एक्स को पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट इसका है, इफ पावर ऑफ कोसेक एक्स इज नॉट इवेन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोसेक पे, यदि कोसेक पे नहीं रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पावर सी द पावर ऑफ कॉट एक्स। अब कोसेक नहीं होगा तो किसको देखेंगे, उसके जस्ट पड़ोसी जो है, पड़ोसी इसमें कौन है, ये कॉट एक्स वाला है, पड़ोसी कौन है, कॉट एक्स वाला, इसी पे क्या देखेंगे हम लोग, पावर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, दो केस होगा इसके लिए। अब यहाँ देखेंगे पावर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स के लिए दो केस होता है। तो इफ पावर ऑफ कॉट एक्स इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा, यदि पावर ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, ओड भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ओड कहने का मतलब, यानी इस पे कॉट पे पावर का है, यानी एम का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या तो 3, 5 इसी तरह 4 में रहेगा। ठीक है, यही होगा। तो इसके अनुसार हम लोग देखें क्या पुट करेंगे, कोसेक एक्स को पुट करेंगे। हाँ, किस पे होगा, तो ये कॉट का हम लोग बात कर रहे हैं ना, कॉट पे पावर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में यहां पे देखिए, इफ पावर ऑफ कॉट एक्स इज इवेन पॉजिटिव इंटीजर, अब यहां भी ओड का बात किए थे, फिर कॉट पे क्या होगा, इवेन में होगा। इट मीन्स यहां से कहने का मतलब क्या हुआ, एम बराबर यहां क्या होगा, 2, 4, 6 यही सब होगा। यहां यदि 2, 4, 6 इस तरह रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे, किसमें, कोसेक स्क्वायर एक्स में। इसका फॉर्मूला भी होता है, ट्रांसफॉर्म में भी हम लोग पढ़े थे कि कॉट स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्म में, ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्म में, ये रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद किसको पुट करना है, कॉट एक्स को पुट करना है। पुट करने का यहां देखिएगा, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा टीवी, तो जेड या टी कोई भी दोनों मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हम लोग इसका तरीका सीखे, अब इस पे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स कुछ, कि फॉर्म जो है इसका कैसे कैसे रहता है, इवेन पे और ओड पे रहता है। आइए हम लोग देखते हैं इस पे कुछ प्रॉब्लम। हाँ देखिए, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं, ये कोसेक पे पावर 4x dx ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला काम रहेगा कि ये पावर जो है ये फॉर्म में क्या है, यही देखना है ना, ये पावर फॉर्म में है तो यही देखते थे। ये 4 जो है, पावर जो है 4, 4 क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का इवेन नंबर है। तो अभी तुरंत पढ़े थे कि इवेन भी है और प्लस क्या है, ये पॉजिटिव भी है, तो इसके लिए हम लोग क्या पुट करते थे, यहाँ पे पुट करते थे क्या, कॉट एक्स को, कॉट एक्स इक्वल टू जेड करते थे ना, यहाँ पे करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स न, यहाँ पे करेंगे। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से डी एक्स निकाल लीजिए, नहीं तो डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी जेड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा न। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, या फॉर्म में क्या करना है, रिप्लेस कर देना dx की जगह। तो सबसे पहले यहां देखिए, तो यदि आप कीजिएगा यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये cosec 4x इंटू dx जो है, dx क्या है, dx की जगह यहां पे dz
डिवाइड बाय माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहां दो वाला था तो ये क्या हो गया, दो हो गया, चार पावर था तो दो पावर बचेगा यहां पे। अब यहां से क्या हो गया आपका, यहां से जब हम लोग लिखेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस डी जेड। ठीक है, देखिए यहां पे माइनस वाला आ गया, और अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक रिलेशन अभी होता है कॉस सेक स्क्वायर और कॉट में, तो यहां से हम पुट किए हैं कॉट एक्स इक्वल टू जेड को हम लोग, तो यहां से रिलेट क्या कर देंगे हम लोग, यहां से जब रिलेट कीजिएगा तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आगे देखिए अगला स्टेप कैसे करेंगे, अगला स्टेप देखिए यहां आप लोग क्या होगा, माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस को जब हम लोग बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वन प्लस हो जाएगा, और कॉट को ये जेड माने हैं तो यहां क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल में इंटीग्रेशन जो करते हैं सिंपल में, तो माइनस हो गया ये बाहर रखिए, ये कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा यहां पे, जेड स्क्वायर डी जेड आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर हो गया, माइनस को क्या कर दिया, बाहर रखे हैं। अब देखिए डी जेड का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, जेड हो गया प्लस जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई थ्री और प्लस सी हो गया। ठीक है, तो यहां तक आंसर नहीं अभी छोड़ना है, यहां पे रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस छोड़ दिए यहां पे, और जेड के जगह यहां जेड क्या है, कॉट एक्स मेरा ओरिजिनल आंसर, तो यहां लिख देंगे ये कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स का क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, अगला स्टेप एक और लिख सकते हैं, क्या कॉट एक्स प्लस और कॉट पे थ्री पावर है तो कॉट क्यू एक्स लिख सकते हैं इसको, कॉट पे पावर थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी, ये क्या हो गया आंसर हुआ। हाँ, तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखे थे इसी फॉर्म का, अब यहां पे आया है कॉट और कॉस सेक दोनों है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए पहले इसका टारगेट, अभी जो है इस टारगेट पे, इस पे आइए पहले, फोर वाला जो है इस पे ओड इवन पे आ रहा है तो पहले कॉस सेक वाला पे टारगेट आ रहा है, सबसे पहले कॉस सेक वाला पे यदि आ रहे हैं टारगेट कर रहे हैं तो यहां पे सॉल्यूशन यदि लिखिएगा तो यहां सबसे पहले क्या दीजिएगा, जो तो दिया गया है तो यहां पे पहले देखना पावर जो है, यहां पे देखिए तो कॉस सेक पावर जो है, यहां पे पावर यदि कहते हैं तो पावर ऑफ कोसेक्स इज, कोसेक एक्स इज क्या है, इवेन भी है और क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इवेन पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हम लोग पुट करेंगे, अभी तुरंत पढ़े थे क्या, कॉट एक्स को, किस को पुट करेंगे, कॉट एक्स को, तो आइए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पुट क्या करेंगे, पुट कॉट एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, आइए उसी तरह सेम तरीका वही रूल है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो करेंगे इसका क्या होगा, माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, डी जेड बाय डी एक्स ना, अब यहां से क्या हो गया, यहां पे डी, यहां से डी एक्स निकाल लीजिए, डी एक्स निकालिएगा कितना हो जाएगा, यहां से माइनस को उस तरफ भेज दीजिए, डी जेड बाय क्या होगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस नीचे में भी रखेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर ही चल जाएगा ना, तो यहां से आ गया। अब मेरा जो क्वेश्चन था यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये वाला फॉर्म है, तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स ये होगा ना, ये तो आई ही होता है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अब डी एक्स जो है, डी एक्स निकाल के हम लोग क्या रखे हैं, देखिए तो माइनस डी जेड वाई कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां फोर है पावर, सॉरी यहां पे कितना हो जाएगा, यहां फोर पावर है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, दो था कट गया, दो बचा है स्क्वायर में, चार है पावर। अब यहां से क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू क्या करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस डी जेड। ठीक है, यहां तो हो गया, एक फंक्शन में यदि हम लोग को लाना पड़ेगा तो यहां यदि
कोसेक को रिप्लेस हम लोग कॉट में करते हैं तो एक फंक्शन में हो जाएगा और आसान से इंटीग्रेट करने में हो जाएगा। तो यहां से हम लोग रिप्लेस कोसेक को भी क्या बना लेते हैं, कॉट बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, जब हम लोग बनाइएगा क्या बनाना है, कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस डी जेड। ठीक है, यहां तक तो दिए, यही क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं। अब देखिए माइनस को यहां से बाहर कर दीजिए, जस्ट लाइक अभी जैसे हम लोग किए थे उसी तरह करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे, अब यहां से रख दीजिए ये जो मेन है पुट करने वाला, उसी को क्या करेंगे, पुट करते हैं। बस क्या होगा, बड़े आसानी हो जाएगा यहां से इंटीग्रेट करने में। तो आगे यहां से अगला स्टेप, यहां से देखिए, यहां देखना है नीचे से, अब यहां नीचे में लास्ट इसके बाद क्या लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एंड वन प्लस कॉट यानी जेड स्क्वायर और माइनस डी जेड। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, आगे देखिए यहां से माइनस को बाहर कर दीजिए, वो डी जेड के पास है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस जेड पे पावर कितना हूं, फोर और ये डिजिट, यानी ब्रैकेट को तोड़ दिए, मतलब कि जेड स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब माइनस को बाहर ही रहने देते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर डी जेड प्लस जेड पे पावर फोर डी जेड। ठीक है, यही किया है, ब्रैकेट सिर्फ तोड़े हैं ये स्टेप में। ठीक है, क्या किया है, ब्रैकेट सिर्फ तोड़े हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब इंटीग्रेशन सिंपल क्या करना, इंटीग्रेशन लगा देना, जेड स्क्वायर मतलब एक्स एन वाला जेड क्यू बाई थ्री प्लस जेड पे पावर कितना, फाइव डिवाइड बाय फाइव प्लस कितना हो जाएगा ये सी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे जेड के जगह क्या करेंगे, रिप्लेस ले, यहां यदि आप छोड़ते हैं तो एक मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, यहां पे नहीं छोड़ना है, हमेशा ओरिजिनल जो जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल में जाना है। तो इसको पूरा करेंगे, यहां पे रख दीजिए, यहां पे जेड के जगह कितना, कॉट एक्स, कॉट एक्स पे पावर थ्री, थ्री डिवाइड बाय थ्री प्लस कॉट एक्स पे पावर फाइव डिवाइड बाय फाइव प्लस सी हो जाएगा। ये एक स्टेप और लिख लीजिए, कॉट पे पावर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखिएगा इसको, तो माइनस तो बाहर में ही है, माइनस हो गया ये कितना हो जाएगा, कॉट क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस कॉट पे पावर फाइव एक्स बाय फाइव और ये क्या प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे हैं, तीसरा है ये, कितना कौन सा है, तीसरा एग्जांपल इसी फॉर्म का है। अब देखिए ये फॉर्म जो दिख रहा है, तो यहाँ पे देखना है कि यदि कोसेक पे पावर क्या हो, इवन पॉजिटिव नहीं है तो किस पे देखना है, कॉट पे देखना है। किस पे पावर देखना है, यहाँ पे कॉट पे पावर देखना है। अब यहाँ पे देखिए पावर जो है ये वाला थ्री है, पता चल ही गया होगा थ्री है, थ्री कहने का मतलब किसा है, ओड है न, ओड है। तो यहां पे देखिए ओड है, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर पावर ऑफ कॉट एक्स इज क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है यहां पे, जैसे हम लोग एम के अनुसार लेंगे तो एम बराबर यहां पे कितना दिया गया है, थ्री दिया गया है, यही करने का मतलब हुआ। तो ये क्या है, ओड भी है। अब देखिए यहां से ये वाला रूल हम लोग पढ़े थे, किसको पुट करना पड़ेगा, कोसेक एक्स को पुट करना पड़ेगा, जैसे ये वाला आता है ओड वाला कॉट पे, तो फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े थे, पुट कोसेक इक्वल टू जेड। ठीक है, वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको डिफरेंशिएट कोसेक एक्स को कर रहे हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, डी जेड वाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए किसका वैल्यू, यहाँ पे डी एक्स निकाल लीजिए, इधर डी एक्स निकालिएगा कितना हो जाएगा, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आ गया, अब यहाँ से डी एक्स को सबसे पहला टारगेट रहेगा, ये डी एक्स के स्थान पर इसको रिप्लेस कर देंगे, और यदि जो कटने वाला होगा तो उसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो यहाँ से जैसे आप लिखिएगा, जैसे 9
यहां से क्या हो जाएगा, cot क्यूब x इंटू डी एक्स जो है यहां पे डी एक्स डी एक्स है जो यहां क्या करेंगे रख देंगे माइनस डी जेड वाई कितना cosec x इंटू cot x। ठीक है, अब यहां से देखिए एक चीज है देखने के लिए कि कुछ कटने वाला है, अभी तुरंत बताए तो ये कट जाएगा, तीन गो है यहाँ एक गो है तो बचा क्या दो गो बचा स्क्वायर में दो गो बचा तब क्या हो गया अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे यहां से कोट स्क्वायर एक्स माइनस को बाहर कर दीजिए डिवाइड बाय कितना कोसेक एक्स इंटू कितना डी जेड में आ गया ना? क्या आया डी जेड में आया। अब लिखिए यहां पे माइनस को तो बाहर कर ही दिए हैं यहां पे, ठीक है माइनस को क्या किए हैं बाहर कर दिए हैं। ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, इट मींस कहने का मतलब हुआ कि ये तो आ गया डी जेड यहां पे तो इसका फंक्शन भी जेड में आना चाहिए। तो यहां से देखिए हम लोग कोसेक एक्स को पुट किए, एक तो आ गया इसका काम तो कोसेक एक्स वाला आ गया है, अब क्या बचा इसको कोसेक में लाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ट्रांसफॉर्म, ये लोग हम लोग जानते हैं ना। अब यहां से इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो अगला स्टेप जो कीजिएगा क्या हो जाएगा यहां से देखिए तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय क्या कोसेक एक्स हो जाएगा यहां कितना है डी जेड है। ठीक है अब यहां से क्या कीजिए कोसेक एक्स जो यहां रखे हैं जेड पुट किए हैं तो यहां से जेड को यहां पे क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कीजिएगा कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय जेड डी जेड। ठीक है माइनस तो बाहर में है ही, अब क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, यहां से काम क्या मेरा रहा अलग अलग करना तो अलग अलग जब कीजिएगा क्या हो जाएगा ये जेड स्क्वायर बाय जेड। ठीक है ये डी जेड हो जाएगा, ये तो दो गो है तो वो कट जाएगा। ठीक है माइनस वन बाय जेड डी जेड। ठीक है यहां तक, अब क्या होगा माइनस बाहर ही रखे हैं, ये हो गया आपका जेड डी जेड माइनस वन बाय जेड डी जेड ना, तो ये क्या होगा माइनस ये जेड जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय जेड का लॉग जेड प्लस सी हो गया माइनस जेड के स्थान पे क्या रखेंगे ये कोसेक एक्स रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा कोसेक एक्स रखेंगे, इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस लॉग कितना कोसेक एक्स प्लस सी ना। एक स्टेप और लिख सकते हैं, यदि यहां तक भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्वायरिंग लिखेंगे अगला स्टेप में, क्या लिखेंगे यहां पे यदि इसका लिखिएगा अगला स्टेप क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग इसका होगा ना, इसका क्या होगा स्क्वायरिंग होगा, तो क्या लिखेंगे यहां अगला स्टेप में यदि कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी हो गया, तो ये जो हुआ ये क्या हो गया आपका आंसर भी, ये माइनस बाहर में छोड़े हैं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, यदि आपका करने का मन है तो कर दीजिएगा वो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ेंगे तो आंसर। हाँ तो हम लोग अभी देखे थे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्या फॉर्म था, इसमें हम लोग अभी देखे थे कॉट पे जो था क्या ओड था, ओड भी था और पॉजिटिव इंटीजर था, अब देखिए कॉट पे इवेन आ जाए और पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो क्या हम लोग मानते हैं क्या कहते थे रूल में बताए कि उसको रिप्लेस करेंगे कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और उसके बाद कॉट एक्स को पुट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे रिप्लेस करना पड़ेगा, सबसे पहले आइए देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे हियर पावर ऑफ कॉट एक्स इज क्या है इवेन पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, ये है। तो यहां से क्या करेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस किसको, कोसेक ये कॉट स्क्वायर एक्स को। किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है यहां तक। अब यहां पे देखिए तो क्या होगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, पहले यहां से पहले देख लीजिए, तब को सब ट्यूशन लगाएंगे। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, यहां पे देखिए तो कॉट स्क्वायर एक्स, और इसका क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर, और ये क्या डी एक्स न। यहां से क्या हो जाएगा, इसको जब कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या अभी बोले थे रिप्लेस करने के लिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इसका डी एक्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या किए थे, रूल में पुट कॉट एक्स को यहां पे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहले स्क्वायरिंग इसको तोड़ते हैं, तोड़ना पड़ेगा इसको न, इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़िएगा तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, कॉस पे पावर फोर एक्स हो जाएगा प्लस वन माइनस टू, ये कितना कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, तब सब ट्यूशन वाला लगाएंगे। तो यहां अलग अलग जब कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये कोसेक फोर एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस डी एक्स माइनस टू इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तो ये वही फॉर्म आ गया, इसका तो आसानी से हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं कोसेक स्क्वायर का, और यहां से इसका भी डायरेक्ट जानते हैं, बाकी रहा ये वाला, अभी जस्ट हम लोग बनाए हैं इसका इंटीग्रेशन इवन वाला का, इसीलिए तो यहां क्या कहा क्या पुट करें कॉट एक्स को। तो यहां से अब जो है वही रूल से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे वही तरीका से यहां से बनाएंगे। तो यहां इसको लेके ही दोनों को नहीं चलना, अब इसको लेके हम लोग को चलना है, नौ कोसेक फोर एक्स डी एक्स इसको लेके चलना है। ठीक है, इसको लेके यदि चलिएगा तो क्या होगा, यहां पे इवन पावर है तो हम लोग क्या करें पुट कॉस एक्स को करेंगे, तो क्या करेंगे यहां पे पुट जो कीजिएगा तो कॉट एक्स इक्वल टू जेड, और डिफरेंशिएट इसका कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट जब कीजिएगा कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी जेड वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब यहां से क्या कीजिएगा, डी एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे डी एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस जब कीजिएगा कितना हो जाएगा, यहां पे रिप्लेस कीजिएगा आगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक फोर एक्स इंटू डी एक्स, यहां पे डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहां पे यदि लिखिएगा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी जेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, यही ना होगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, ये क्या करेंगे हम लोग यहां पे रख देंगे, इसके लिए बना रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो वही रूल अभी बताए थे, जो यहां से हो जाएगा डी एक्स की जगह माइनस डी जेड बाय कितना कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब यहां से देखिए कुछ कट रहा है, देखिए कट रहा है तो क्या करेंगे कटा देंगे, तो यहां देखिए तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स बचा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस को बाहर कर लीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब ये कितना बचा डी जेड। अब यहां कोसेक स्क्वायर एक्स को किसमें कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो माइनस हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी जेड माइनस ये हो गया वन प्लस कॉट के क्या होना है जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, क्या हो गया यहां पे माइनस हो गया ये, और इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये डी जेड हो जाएगा, अब प्लस कितना जेड स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, डी जेड को, डी जेड को हम लोग जेड हो जाएगा प्लस जेड क्यू बाय कितना थ्री प्लस सी माइनस कितना हो जाएगा, जेड की जगह कितना रखेंगे कॉट एक्स प्लस ये थ्री पावर है तो कॉट क्यू एक्स बाय थ्री है, कॉट क्यू एक्स बाय थ्री प्लस सी हो गया।
अब यहां से देखते हैं कि वो उसको और ये इसका काम हो गया, और ये दोनों का इंटीग्रेशन इसका यदि करेंगे dx का x हो जाएगा और cos x स्क्वायर का माइनस cot x होता है, तो सिर्फ रहा क्या इसके जगह इसको रिप्लेस करना है, और सारे इंटीग्रेशन में जो है जब करेंगे तो एक ही कांस्टेंट जोड़ेंगे, ठीक है, दो कांस्टेंट नहीं, काहे कि सारे कांस्टेंट को जब हम लोग एडिंग करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है कांस्टेंट, c1 जोड़े c2 जोड़े सारा क्या होगा कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो वही होगा। अब यहां से क्या करेंगे, यहां अगला स्टेप जो हम लोग लिखेंगे यहां पे रख देंगे, कहां पे फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे, कहां पे रखेंगे फर्स्ट में रखेंगे, तो यहां फर्स्ट इक्वेशन है आपका, इसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट में रख देंगे, देखिए यहां से तो फर्स्ट में रखना है यहां पे, यहां से फर्स्ट में रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो ये फर्स्ट है, तो कोसेक 4 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां माइनस हो जाएगा ये, ठीक है माइनस, और यहां पे कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स थ्री हो गया, और ये अब इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का कितना होगा एक्स हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस तो टू बाहर हो गया, अब कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, और ये क्या कर देंगे सी को क्या कर देंगे यहाँ पे बाहर मेट कर देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया आपका माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू एक्स वाई थ्री प्लस एक्स, अब प्लस कितना टू कॉट एक्स प्लस सी हो गया। अब देखिए ये माइनस कॉट एक्स और ये टू कॉट एक्स, तो दोनों क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस माइनस में, तो दो में एक गया कितना हो जाएगा एक बचेगा, यानी कि बच गया कितना कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू एक्स वाई थ्री, और ये कितना हो गया प्लस एक्स प्लस सी नहीं, तो यहां से क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू बाय कॉट थ्री पावर एक्स बाय थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।